भदोही शासन द्वारा नामित वरिष्ठ नोडल अधिकारी एवं विंध्याचल के मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने आज जिला अधिकारी आर्यका अखौरी के साथ महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के L2 हॉस्पिटल भदोही का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा ने L2 हॉस्पिटल का निरीक्षण कर चिकित्सा अधिकारियों से हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। नोडल अधिकारी श्री योगेश्वर राम मिश्रा ने वहां पर CCTV कैमरे से हॉस्पिटल के विभिन्न कक्षों का अवलोकन भी किया एवं ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहां पर मौजूद पेशेंटों के परिजनों से भी वार्ता की। उन्होंने परिजनों से L2 हॉस्पिटल से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा। सभी परिजन हॉस्पिटल की व्यवस्था एवं वहां से मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। नोडल अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए समस्त व्यक्तियों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग तथा टीकाकरण की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए। L2 हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को दवा खाना इत्यादि समय से दिया जाए। कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से नियमित फोन के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि निगरानी समितियां गांव में लगातार भ्रमणशील रहकर लक्षण युक्त वाले मरीजों की पहचान करें तथा उनके सैंपलिंग कराने के साथ ही उन्हें मेडिकल किट भी उपलब्ध कराएं। हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी। साथ ही बाहर से आ रहे प्रवासियों को चिन्हित करते हुए उनकी सैंपलिंग कराएं तथा उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखने की कार्यवाही भी सुनिश्चित कराएं। कहा कि इसके साथ ही गांव एवं कस्बों में नियमित रूप से साफ सफाई, सैनिटाइजेशन एवं फंगिंग का कार्य कराया जाए। इस दौरान नोडल अधिकारी ने जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि नियमित रूप से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। नोडल अधिकारी महोदय ने वहां पर मौजूद सभी अधिकारियों को अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ निष्पादित किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिस टीम व अधिकारी को जो दायित्व सौंपा गया है उसे पूरा मनोयोग के साथ सुनिश्चित करें। फेज 2 का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, उसमें कमी आई और कमी ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास 100 बेड थी, जहाँ पे पहले 100 भाई आती थी और उसके लिए बेड के लिए ही डिमांड आती थी, आज हमारे पास आपको 35-45। तो निश्चय ही जो हमारा ग्राफ है वो डाउन हो रहा है। शहर और ग्रामीण स्तर दोनों स्तर पे दवाओं का वितरण, जो हमारी टीम्स हैं उनका मूवमेंट, पूरा प्रशासन, पूरा स्वास्थ्य विभाग, पूरा पुलिस विभाग, पंचायत, सब डेवलपमेंट का जितना साइट है, रेवेन्यू साइट, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। जन सहयोग भी मिल रहा है, स्वैच्छिक संस्थाओं का, प्रेस का, मीडिया का, सबका सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग की स्थिति बेहतर हुई है। ऑक्सीजन का जो संकट था वो भी अब नहीं है। हम इस जनपद में ही नहीं, पूरे मंडल में हम मोर देन सफिशियंट हैं। 48 घंटे से लेकर 72 घंटे का हम बैकअप लेके चल रहे हैं और ऐसा विश्वास है कि 2-3 दिन के अंतर्गत स्थितियाँ और सुधरेंगी। इस बीच सब लोग अपने संसाधनों को बढ़ा रहे हैं, आगे और अगर कैसी कोई लहर आए, जैसा कि कुछ वैज्ञानिक या कुछ अखबारों में या कुछ जर्नल्स में बात आती है, अगर आगे कोई स्थिति और बिगड़ने की स्थिति हो तो उसके लिए हमारी पहले से तैयारी हो, उन तैयारी हो। सर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में अभी कुछ लोग पकड़े गए थे, कुछ नाम L2 सेक्टर और CSC से भी आ रहे थे, तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई? उसकी विवेचना की जा रही है, पुलिस अधीक्षक को निर्देशित कर देंगे कि उसकी इंडिपेंडेंट जाँच हो और जो भी लोग उसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई।